हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से एक और धमाकेदार टॉय और स्टेशनरी का कलेक्शन वीडियो लेके आऊं। गाइस, एक बड़े से बॉक्स के अंदर आज मैंने यहाँ पर रखे बहुत सारे ब्लू कलर के टॉयज और यहाँ पर रखे बहुत सारे पिंक कलर के टॉयज। यानी कि आज का जो वीडियो है ना, ये ब्लू वर्सेस पिंक कलर का टॉय कलेक्शन होने वाला है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक टाइप की और बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें आज मैंने इस वीडियो में ऐड की हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनमें से कुछ भी मिल जाए तो उसका नाम आप कॉमेंट में जरूर बताना, मैं गिव अवे करूंगा, है ना। अगर आपको वीडियो थोड़े पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास है ब्लू कलर की एक स्लाइम की बॉटल, 100 रुपीज में मुझे मिली है। इसके ऊपर लिखा है ट्यूब स्लाइम, है ना। इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, काफी बड़ी बॉटल है, इसके अंदर स्लाइम की क्वालिटी है वो देखो गाइस, कितनी ज्यादा औसम है। ये देखो, मुझे तो स्लाइम के साथ खेलना बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो ये बॉटल आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, है ना। बहुत ही अट्रैक्टिव सी, और स्लाइम का कलर देखो, ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर है, और काफी ज्यादा क्वांटिटी में स्लाइम आपको इस बॉटल के अंदर मिल जाएगी। और 100 रुपीज के हिसाब से गाइस ये पैसा वसूल आइटम है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है छोटा सा क्यूट सा लंच बॉक्स, ये देखो, है ना, छोटे बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ पे काफी सारे एनिमल बने हुए हैं। यहाँ पे लॉक है, लॉक ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो, इसके अंदर एक छोटा सा टिफिन और एक छोटी सी स्पून देखने को मिल जाती है, है ना। देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ से मैं इसको बंद कर लेता हूँ। 100 रुपीज से भी कम में आपको ये आराम से मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा, बट जो इसका कलर और डिजाइन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और गाइज हमारे पास यहाँ पर एक अमेजिंग सा शार्पनर जो कि डोरेमोन वाले डिजाइन में आता है। अब गाइज आप इससे पेंसिल कैसे शार्प करोगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसका डिजाइन देखो, कितना यूनिक इसका डिजाइन है। पिंक कलर का डोरेमोन है, देखो यहाँ पर छेद है, यहां से आपको पेंसिल डालनी है, यहां से ऐसे हैंडल घुमाना है और कुछ ही सेकंड्स में आपकी पेंसिल शार्प हो जाएगी और सारा कचरा आप यहां से निकाल सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग। सो गाइस काफी यूनिक सा है। मैंने इसको यूज करके काफी वीडियो में आपको पहले भी दिखाया कि जो इस तरह के शार्पनर होते हैं कैसे वर्क करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहां से पेंसिल डालनी है, हैंडल घुमाना है, पेंसिल कुछ ही सेकंड में शार्प हो जाएगी, यहां से आप कचरा बाहर निकाल सकते हैं। 150 रुपीज में आपको मिल जाएगा, इतने कम प्राइस में गाइस ये पैसा वसूल चीज है। और गाइस हमारे पास है एक प्यारा सा मल्टी कलर पेन, ये देखो ऊपर बना हुआ है डायनासोर का डिजाइन, ये देखो अंडा तोड़कर डायनासोर बाहर आया हुआ है। और गाइस ये एक मल्टी कलर पेन है, देखो 1 2 3 4 5 6 कलर आपको इस पेन के अंदर देखने को मिलते हैं। डायनासोर वाले डिजाइन वाला मल्टी कलर पेन हम इसको कह सकते हैं, और लिखते टाइम ये पेन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। और गाइस हमारे पास है डोरेमोन वाले डिजाइन में बहुत ही अट्रैक्टिव सी वॉटर बॉटल। सबसे पहले आप इसका प्राइस देखो, यहाँ पर 449 इसका प्राइस है, बट मुझे 300 रुपीज में मिली है। इसका डिजाइन देखो, उसके ऊपर डोरेमोन का कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बना हुआ है ना। यहाँ पर हुक बना है, यहाँ से आप इसको ऐसे लटका सकते हैं पैंट में, अपने बैग में, और यहाँ से ओपन करेंगे तो गाइस देखो यहाँ से आप पानी पी सकते हैं। पूरी वाटर बोतल ना मेटल की बनी है देखो, है ना, और इसका पूरा डिजाइन आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। यहाँ पे इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। मुझे गाइस ये बॉटल बहुत ज्यादा पसंद है, और सबसे ज्यादा पसंद इसकी बात यह आई कि गाइस इसके ऊपर डोरेमोन का डिजाइन बना हुआ है। अगर आप डोरेमोन के फैन है तो ये वाटर बॉटल आपके लिए ही बनी हुई है। और गाइस हमारे पास है यूनिकॉर्न वाले डिजाइन में एक बहुत ही प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स, और ऐसा वैसा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है गाइस, बहुत ही स्पेशल ज्योमेट्री बॉक्स है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है कैलकुलेटर जो कि बिल्कुल वर्किंग कंडीशन वाला है गाइस, ये देखो, है ना। और सबसे अमेजिंग बात यहाँ पे जो यूनिकॉर्न का डिजाइन बनाया हुआ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और पीछे भी आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर तो यूनिकॉर्न लिखा भी हुआ है। पूरा डिजाइन इसका बहुत अट्रैक्टिव है, इसको आप दोनों साइड से ओपन करके सामान रख सकते हैं। देखो यहाँ पर इसके अंदर स्पेस है, है ना, यहां से बंद कर लेंगे, और यहां पर इसके अंदर और भी स्पेस है, यहाँ पर पेंसिल होल्डर और बाकी स्पेस में आप सामान रख सकते हैं। इसके अंदर आपको डबल शार्पनर भी देखने मिलता है, इससे आप पेंसिल को लॉन्ग पॉइंट और शॉर्ट पॉइंट शार्प कर सकते हैं, है ना, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव। मुझे गाइस ये बहुत पसंद आया। 200 रुपीज में आपको इस तरह का अमेजिंग सा ज्योमेट्री बॉक्स आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद गाइस हमारे पास है बहुत ही बड़ी सी कलरिंग किट, जी हाँ गाइस, एक ऐसी कलरिंग किट जो आज तक आपने शायद नहीं देखी होगी। यहाँ पे लिखा 46 पीस, यानी कि इसके अंदर आपको 46 पीस यानी 46 कलर्स देखने मिलने वाले हैं, और कुछ ऐसा ये बॉक्स है। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूँ। 250 रुपीज में मुझे मिला गाइस ये, यहां से मैंने इसको कर लिया है ओपन। और गाइस ये देखो किस तरह से ओपन होता है, देखो 4 लेयर में ये ओपन होता है। सबसे पहले गाइस एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, तीसरी लेयर ये, और इसके नीचे भी एक और लेयर है गाइस, ये देखो 4 लेयर में ये ओपन होता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर कौन से कलर है। देखो यहां पर आपको एक ब्रश और यहां पर वाटर कलर केक्स देखने मिलते हैं, है ना, यहां पर आपको स्केच कलर देखने को मिलते हैं, और यहां पर आपको देखने मिलता है प्यारा सा शार्पनर और पेंसिल कलर। और पेंसिल कलर ऐसे वैसे नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले पेंसिल कलर है ना। और जो यहाँ पर स्केच कलर है वही मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये देखो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। और लास्ट लेयर में आपको यहाँ पर देखने मिलती है एक पेपर क्लिप जो कि यहाँ पर रखनी थी, ये देखो, है ना, और यहाँ पर एक इरेजर और यहाँ पर वैक्स क्रियोन्स कलर,
ये देखो है ना कितना ज्यादा अमेजिंग। तो एक तो आपको क्रियोन्स कलर इरेजर, ये देखो यहाँ पर पेंसिल कलर, यहाँ पे शार्पनर, यहाँ पे स्केच कलर और एक पेपर क्लिप, और यहाँ पे वाटर कलर केक्स और एक ब्रश देखने मिलता है। चार अलग अलग लेयर में ये ओपन होता है, कुछ इस तरह से आप इसको वापस से पैक कर सकते हैं। 250 रुपीज के हिसाब से इसके अंदर आपको 46 डिफरेंट टाइप के कलर मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। और जिसका बॉक्स का डिजाइन है ना वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर एक पिंक कलर की वॉच, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बारबी डिजाइन वाली वॉच है जो कि गर्ल्स के लिए बनी हुई है ना। अगर आपको पिंक कलर की वॉच पहनना पसंद है तो ये आपको 100 रुपीज से कम में मिल जाएगी। और गाइज ये देखो इसका डिजाइन देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, हाथ में पहनने पे वॉच देखो कितनी अट्रैक्टिव लगने वाली है ना। इसके अंदर बारबी का डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे बारबी लिखा भी हुआ है, और पूरी वॉच आप देख सकते हैं। मुझे गाइज इसका डिजाइन और इसका कलर बहुत ज्यादा पसंद आया है ना, इतने कम प्राइस में गाइज ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर कार डिजाइन वाली इरेजर, ये देखो साइड से ऐसा लग रहा है कार है कोई टॉय कार, बट गाइज ये इरेजर है ना, ये देखो ये इरेजर है, इसे आप किसी भी एंगल से पकड़ के पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। डिजाइन वाइज कलर वाइज ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और गाइज हमारे पास है एक बड़ा सा पेंसिल बॉक्स, ये देखो ये देखने में बड़े पेंसिल जैसा लग रहा है, ऐसा लगता है इसको पकड़ के ना पेंसिल की तरह लिखना शुरू कर दो, बट गाइज इसका डिजाइन पेंसिल जैसा है, ये पेंसिल नहीं है, ये है गाइज एक पेंसिल बॉक्स, यानी कि आप इसको ज्योमेट्री बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं। देखो यहां से ओपन करके आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं, काफी ज्यादा स्पेस आपको इसके अंदर देखने मिलता है, यहां से आप इसको ऐसे पकड़ के लटका सकते हैं है ना। और इसके ऊपर फ्रोजन कार्टून का डिजाइन बना हुआ जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है गाइज, वाओ मजा आ गया है ना, मुझे गाइज ये बहुत ज्यादा पसंद आया। और इसके बाद गाइज हमारे पास है एक बाइक वाले डिजाइन वाली इरेजर, 10 रुपीज की इरेजर है, इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, किसी भी एंगल से पकड़ के आप इसे पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। और गाइज हमारे पास है एक प्यारा सा पाउच, देखो पेंसिल यहाँ पे लिखा हुआ और हेलो किटी वाले डिजाइन वाला पाउच है, मेटल क्वालिटी का बना है, यहां से पकड़ के आप इसको लटका सकते हैं। और इसके अंदर आप छोटे साइज के स्टेशनरी आइटम और पैसे रख सकते हैं, ये देखो अंदर से आप देख सकते हैं येलो कलर का और काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है ये देखने में है ना। 100 रुपीज से कम में आपको मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सा ये पाउच है मेटल क्वालिटी का। और इसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर एक ये देखो यूनिकॉर्न वाले डिजाइन में शार्पनर, ये देखो इसके अंदर यहाँ पे दो शार्पनर लगे हैं, यहां से पेंसिल डाल के आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं और यहां से सारा कचरा बाहर आ जाएगा, बहुत ही अट्रैक्टिव है डिजाइन वाइज कलर वाइज। और हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ये देखो अम्ब्रेला डिजाइन में पेन है ना, ये देखो यहां से आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसा लग रहा है अम्ब्रेला है, बट दिस इज अ पेन, यहां से ओपन करके आप इसको ऐसे लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। डिजाइन देखकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये पेन है, बट दिस इज अ पेन जो कि देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और गाइज हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा ये देखो कुछ इस तरह का पेन, सबसे पहले इसका यहाँ पर डिजाइन देखो कितना यूनिक डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है ना, बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है। और गाइज ये एक पेन है, इसका साइज बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, और यहां से ओपन करके आप इस पेन को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, ये देखो है ना कितना अट्रैक्टिव, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको आप वापिस से ऐसे अटैच कर सकते हैं और ऐसे इसका साइज छोटा हो जाता है। 50 रुपीज में ये पेन आपको मिल जाएगा जो कि डिजाइन वाइज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और गाइज हमारे पास यहाँ पर एक प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर लिखा है ब्यूटी कैट्स है ना, बहुत ही प्यारा डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है, पिंक कलर में गाइज ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर दो बटन है, देखो ऐसे बटन दबाने पे ये ओपन होता है, यहाँ पर पेंसिल होल्डर है, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, ऐसे बंद करने के बाद ये यहां से भी ओपन होता है, देखो बटन दबाऊंगा और यहां से ये हो गया ओपन। और इसके अंदर स्पेस देखो कितना अमेजिंग सा स्पेस है ना, यहाँ पर आप काफी अलग तरीके से सामान रख सकते हैं। इसके अंदर आपको एक मार्कर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड देखने मिलता है, यह है व्हाइट बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसका मार्कर सूख गया है गाइस, ये देखो इसकी इंक सूख गई है, इस व्हाइट बोर्ड पे लिख के ना आप आराम से इरेज कर सकते हैं, इरेज हो जाता है ना, काफी यूनिक टाइप का ज्योमेट्री बॉक्स, और यहां से ये हो गया बंद, ये देखो कितना ब्यूटीफुल इसका डिजाइन है। और इसके बाद गाइस हमारे पास यहाँ पर एक लंच बॉक्स जो कि छोटा भीम कार्टून डिजाइन में आता है, यहाँ पे लिखा है छोटा भीम मिल्टन कंपनी का, यानी कि क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है, यहाँ पे छोटा भीम बना भी हुआ है, छुटकी भी बनी हुई है। और गाइस कुछ ऐसा ये लंच बॉक्स है ना, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखो यहां से मैंने इसको ओपन किया तो गाइज ये देखो इसके अंदर आपको एक छोटा सा टिफिन और दो स्पून देखने को मिलती है गाइज, ये देखो है ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सबसे अमेजिंग बात इसके ऊपर जो छोटा भीम कार्टून का डिजाइन बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, जिस बच्चे का छोटा भीम कार्टून पसंद है उसको लंच बॉक्स 100% पसंद आएगा ही आएगा। और गाइज हमारे पास यहाँ पर एक और अमेजिंग सा कुछ इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स जिसके ऊपर क्रोकोडाइल लिखा है, क्रोकोडाइल वाला पैटर्न इसके ऊपर बना हुआ है, ये देखो है ना, और ये मिलेगा आपको 300 रुपए के आसपास, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो यहां से ओपन करेंगे
क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं, यहाँ पर पेंसिल होल्डर है ना, और यहाँ पर काफी सारे बटन है। देखो चार बटन दबाने के चार डिफरेंट कंपार्टमेंट ओपन होते हैं। देखो पहले में यहाँ पर सेलो टेप आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर कटर भी बना हुआ है ना। यहाँ पर इसके अंदर आपको शार्पनर देखने मिलते हैं, यहाँ पर आप इरेजर रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको इसके अंदर एक सीजर देखने मिलती है जिससे आप चीजों को कट कर सकते हैं, है ना, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव। और यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं, और गाइस इसके अंदर आपको इनबिल्ट स्केल भी देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे एक स्लाइडर है, इसको स्लाइड करने से ना इसका स्केल बाहर आता है यहां से, ये देखो 18 सेंटीमीटर का स्केल आपको इसके अंदर देखने मिलता है, ट्रांसपेरेंट स्केल, जो कि वापस से यहां पर हो जाएगा सेट। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ये चला गया इसके अंदर, और यहां से मैंने कर दिया इसको बंद। डिजाइन वाइज कलर वाइज ये बहुत अट्रैक्टिव है ना। और इसके बाद गाइस हमारे पास यहां पर एक अंगूठी का सेट, ये देखो इसके अंदर आपको बहुत क्यूट क्यूट अंगूठियां देखने मिलने वाली हैं। पहले आप बॉक्स देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव है, और गाइस ये देखो इसके अंदर जो अंगूठियां उनका डिजाइन देखो, ये देखो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, वाव है ना। कुछ अंगूठियां मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि गाइस देखो यहां पर फ्लावर वाले डिजाइन वाली है, यहां पर बटरफ्लाई वाले डिजाइन वाली है, और यहां पर देखो छोटी सी क्यूट सी डॉल वाले डिजाइन वाली है ना। ये सारी अंगूठियां आपको मिल जाएगी, 150 रुपए इस बॉक्स का प्राइस है, और 30 अंगूठियां आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। और गाइस हमारे पास यहां पर एक प्यारा सा कुछ इस तरह का पेंसिल बॉक्स, जो कि डिज्नी प्रिंसेस कार्टून वाले डिजाइन में आता है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये आप देख सकते हैं, है ना। यहां से ओपन करके आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं, ये देखो वाव, यहां पर इसके अंदर चैन है, चैन ओपन करके इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं। यहां पर पेन पेंसिल होल्डर है, और इसके नीचे भी आप सामान रख सकते हैं। 300 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा, और इतने कम प्राइस में गाइस ये बहुत अट्रैक्टिव है। 3 ज्योमेट्री बॉक्स का सामान आप इसके अंदर आराम से सेट कर सकते हैं। और हमारे पास है एक बड़ी सी कलरिंग किट, ये देखो ये ब्रीफकेस डिजाइन में आती है, इसका पूरा डिजाइन आप देख सकते हैं। देखो यहां पर हैंडल बना हुआ है, यहां से पकड़ के आप इसको लटका सकते हैं, यहां पे इसके ऊपर लॉक लगे हैं, और इसका पूरा डिजाइन देखो एस्ट्रोनॉट वाले डिजाइन में ही आता है ना। तो आज मैं आपको इसको ओपन करके दिखाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये गिव अवे मिल जाए तो अपना नाम कमेंट में जरूर बताना, है ना, और जो भी चीज आपको पसंद है उसका नाम भी कमेंट में बताना। यहां से मैंने इसके लॉक कर लिए ओपन, और यहां से इसको ओपन करेंगे तो गाइस ये देखो अंदर से ये दिखाई देती है कुछ ऐसी। अब मैं आपको इसके अंदर का सामान दिखाता हूं। सबसे पहले गाइस देखो यहां पर आपको 2 कलर प्लेट देखने को मिलती है ना, और इसके अंदर आपको यहां पर 2 ब्रश देखने मिलते हैं, जो कि आप ड्रॉइंग के टाइम पर यूज कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रश है ना। और इसके अंदर आपको एक यहां पर इरेजर देखने मिलती है, जो कि यहां पर रखी जाएगी। यहां पर आपको एक शार्पनर भी देखने को मिलता है ना, और इसके अंदर आपको यहां पर पेपर क्लिप देखने मिलती है, ये देखो एक पेपर क्लिप का बॉक्स मतलब पाउच है। और इसके अंदर आपको ऑयल पेस्टल कलर देखने मिलते हैं, यहां पर काफी सारे, ये देखो कितने सारे ऑयल पेस्टल कलर्स हैं, यहां पर आप क्वांटिटी देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको यहां पर वाटर कलर्स भी देखने मिलते हैं, मैं आपको 2 कलर दिखाता हूं। ये देखो ट्यूब स्टाइल कलर है, इसको आपको पानी के साथ मिक्स करके यूज करना पड़ेगा, ये देखो कितने अट्रैक्टिव है ना। अब भाई यहां तो मैंने आपको सामान दिखा दिया, देखो यहां पर वाटर कलर केक्स है, यहां पे 2 ब्रश है, यहां पर 2 कलर किट है, और गाइस देखो यहां पर आपको ऑयल पेस्टल कलर, और इस साइड देखो गाइस इस साइड भी आपको कलर देखने मिलते हैं। यहां पर आपको पेंसिल कलर देखने मिलते हैं, जो कि काफी बड़े साइज के हैं गाइस, ये देखो है ना पेंसिल कलर है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। मैंने इनको यूज करके देखा गाइस, बहुत ही अमेजिंग इसकी क्वालिटी थी। और यहां पे आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं बहुत ही प्यारे डुअल टिप मार्कर, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो रेड कलर का मार्कर है एक साइड से, तो गाइस ये मोटी टिप होती है इसकी, ये देखो कुछ इस तरह की है ना, और दूसरी साइड से ऐसी वाइड टिप होती है गाइस, ये देखो जिसको आप हाईलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ये कलरिंग किट है। इसको मैं वापस से कर लेता हूं बंद। ये गाइस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, अगर आप चाहते हैं आपको मिल जाए तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, है ना। पूरी किट आप देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव, और यहां से ये इजिली बंद हो जाती है और लॉक हो जाती है गाइस, ये देखो यहां से मैंने इसको कर दिया लॉक, और जो इसका ब्रीफकेस वाला डिजाइन है यहां से आप इसको पकड़ के लटका के कहीं भी ले जा सकते हैं। और गाइस हमारे पास है डोरेमोन वाले डिजाइन वाले ज्योमेट्री बॉक्स, देखो डोरेमोन का कितना प्यारा डिजाइन इसके ऊपर बना हुआ है। यहां से ओपन करेंगे, इसके अंदर आपको स्टडी लैंप यानी कि लाइट देखने मिलती है, जो कि अंधेरे में आपको पढ़ाई में हेल्प करेगी। यहां पे आपको इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग से 2 शार्पनर देखने मिलते हैं, है ना, यहां पर स्पेस है और पीछे भी आपको स्पेस देखने मिलता है, डुअल कंपार्टमेंट ज्योमेट्री बॉक्स हम इसको कह सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक और यूनिक टाइप का ज्योमेट्री बॉक्स है, ये देखो स्माइल एवरीडे लिखा हुआ है, यहां पर ब्लैक और व्हाइट कलर का पांडा बियर बना हुआ है, यहां पे लॉक लगा हुआ है, देखो यहां से ओपन करके आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं, क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं, यहां पर पेंसिल होल्डर है, और नीचे आप सामान रख सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही यूनिक टाइप का ये लॉक है, मतलब ये ज्योमेट्री बॉक्स है, जो कि कपड़े वाले डिजाइन में आता है। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा बच्चों के लिए मैजिक पैड, ये देखो यहां से मैंने इसको निकाल लिया बाहर। सबसे पहले आपको इसके अंदर यहां पे 3 कुछ इस तरह के डिजाइन देखने मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं यूज करके, ये देखो मैग्नेट वाले डिजाइन वाले हैं, है ना, एक ये हो गया, एक राउंड वाली शेप में हो गया, ये देखो और एक ये हार्ट वाली शेप में हो गया, ये देखो
है कितना ज्यादा अमेजिंग। इनसे आप डिजाइन बना सकते हैं और इन सबको आप इरेज कर सकते हैं यहां से इजिली। ये देखो यहां से इरेज हो जाते हैं, है ना। और इसके अंदर आपको एक पेंसिल देखने को मिलती है जिसको आप यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। ये देखो 1+2=3, है ना। ये देखो अब मैं आपको इसको इरेज करके दिखाता हूं, यहां से इजिली इरेज हो जाता है। कुछ इस तरह से ये वर्क करती है पूरी किट, है ना। पूरा डिजाइन आप देख सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए इसको मैजिक पैड या लर्निंग पैड भी कह सकते हैं। और गाइस हमारे पास है हमारे प्यारा सा कैलकुलेटर वॉच, मैं आपको दिखाता हूं। 100 रुपीज की वॉच है जो कि आज तक आपने नहीं देखी होगी और आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है ये। ये देखो यहां से मैंने इसको निकाल लिया पैकेट से बाहर। और गाइस ये देखो, ये है हमारी 100 रुपीज की कैलकुलेटर वॉच। यहां से आपको बटन दबाना है, ये ऑन हो जाती है। और गाइस आई थिंक इसकी बैटरी डाउन हो गई है। देखो यहां से मैं बटन दबा रहा हूं ना, ये वर्क नहीं कर रही है बिल्कुल भी। इसकी बैटरी शायद डाउन हो गई है, इसकी बैटरी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। बट गाइस मैं आपको बता दूं, ये कैलकुलेटर वॉच है जो कि मुझे 100 रुपीज में मिली है। हाथ में पहनने पर कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसके अंदर टाइम भी देख सकते हैं, अलार्म भी सेट कर सकते हैं, सेकंड्स भी देख सकते हैं और इससे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसका कैलकुलेटर अच्छे तरीके से वर्क करता है। बट फिलहाल इसकी बैटरी डाउन है, कोई बात नहीं। और हमारे पास है गाइस ये देखो स्पाइडरमैन वाले डिजाइन वाला शार्पनर, अंदर शार्पनर लगा हुआ है। यहां से पेंसिल डाल के पेंसिल शार्प कर सकते हैं। और गाइस हमारे पास यहाँ पर एक अमेजिंग सी डायरी, ये देखो। सबसे पहले इस पूरे पैकेट का डिजाइन देखो, कितना प्यारा इसका डिजाइन है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, ये बहुत ज्यादा क्यूट सा आइटम हमें इसके अंदर देखने मिलता है। ये देखो यहां से मैंने इसको निकाल लिया बाहर, है ना। और सबसे पहले आप इसका डिजाइन देखो, कितना क्यूट इसका डिजाइन है, है ना। और गाइस ये एक छोटी सी नोटबुक या फिर डायरी हम इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे क्यूट क्यूट पेजेस है गाइस। ये देखो, है ना, जो कि स्टूडेंट्स के बहुत काम आ सकती है। बट गाइस इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन ये देखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। और इसकी पैकिंग भी आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है। और गाइस हमारे पास है यूनिकॉर्न वाले डिजाइन वाला बहुत ही प्यारा सा पाउच, है ना, जिसको आप पर्स बना सकते हैं। इसको कितना भी फोल्ड कर लो ये खराब नहीं होता है। इसके पॉकेट भी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, है ना। और यहां से ओपन करके ये देखो, यहां पे इसके अंदर स्ट्रैप लगा हुआ है, ये रहा स्ट्रैप। और ये स्ट्रैप लगा के आप इसको पर्स बना सकते हैं, 250 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। और गाइस हमारे पास है बहुत ही अमेजिंग सा कार डिजाइन वाला शार्पनर, यहां से पेंसिल डाल के पेंसिल शार्प हो जाती है, ये देखो, है ना। और हमारे पास है लिपस्टिक डिजाइन वाली इरेजर, इससे आप पेंसिल का लिखा हुआ इरेज कर सकते हैं। और गाइस हमारे पास है प्यारी सी पेंसिल, ये देखो, है ना। यहाँ पे इसके अंदर आपको पेन गेम देखने को मिलता है, यहाँ पर खेल सकते हैं इसको, यहां से आप इस पेंसिल को यूज कर सकते हैं। ये देखो नोक वाली पेंसिल है। और गाइज हमारे पास यहाँ पर प्यारा सा कुछ इस तरह का स्टेशनरी सेट जो कि हेलो किटी कार्टून डिजाइन में आता है, है ना। यहां से आप इसको ऐसे लटका सकते हैं और यहां से आप इसको ओपन करके इसके अंदर देख सकते हैं कितना सारा सामान आपको हेलो किटी कार्टून वाला देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो एक फ्लेक्सिबल स्केल आपको देखने मिलता है, पेंसिल है, शार्पनर है, इरेजर है, छोटी क्यूट सी डायरी है। और गाइस हमारे पास है प्यारा सा कुछ इस तरह का शार्पनर हेयर ड्रायर वाले डिजाइन में, यहां से पेंसिल डाल के पेंसिल शार्प कर सकते हैं, यहां से सारा कचरा बाहर आ जाएगा। और गाइस हमारे पास एक बहुत ही प्यारा बीटीएस डिजाइन में कोल्ड ड्रिंक का कैन जो कि एक्चुअल में है इरेजनर। देखो जो स्ट्रॉ यहां पर लगा हुआ है इरेजर है, यहां से आप इरेज कर सकते हैं, यहां से आप पेंसिल शार्प कर सकते हैं, यहां से सारा कचरा बाहर निकाल सकते हैं। इसके अंदर शार्पनर लगा हुआ है। और गाइस हमारे पास यहां पर एक और अमेजिंग सा इरेजर बॉक्स, जिसके अंदर आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इरेजर देखने को मिलने वाली है। ये देखो ऐसी ऐसी इरेजर है जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा गाइस। ये देखो ये कैप वाले डिजाइन वाली इरेजर, ये लिपस्टिक डिजाइन वाली, ये देखो बार्बी डॉल के जो सैंडल होते हैं वैसा इसका डिजाइन है। देखो ये देखो, है ना। और यहाँ पे एक मोबाइल फोन वाले डिजाइन वाली इरेजर, और यहाँ पे एक मेकअप किट वाले डिजाइन वाली इरेजर। इस पूरी किट के अंदर आपको 5 से 6 इरेजर देखने मिलती है जो कि लुक वाइज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और गाइस हमारे पास यहाँ पर एक प्यारी सी किट जो कि है नेल कटिंग किट। देखो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर आपको 3-4 चीजें देखने मिलती है। सबसे पहले तो गाइस आपको यहाँ पर एक सीजर देखने मिलती है चीजें कट करने के लिए, है ना। एक नेल कटर आपको देखने मिलता है इसके अंदर, छोटे साइज का नेल कटर जिससे आप नेल्स कट कर सकते हैं, है ना, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल। और नेल्स को शार्प करने के लिए यहाँ पे शार्पनर आपको देखने मिलता है। और गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलती है पेपर क्लिप, देखो, जिससे आप छोटी साइज की चीजें पकड़ के उठा सकते हैं। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है डिजाइन वाइज कलर वाइज, है ना। और लास्ट में हमारे पास है प्यारा सा बैग, ये देखो बहुत ही क्यूट सा पिंक कलर का बैग है, 300 रुपीज में मुझे मिला है, है ना। यहां से ओपन करके आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं। सिर्फ एक पॉकेट आपको इसके अंदर देखने मिलती है, यहाँ पर पॉकेट बने हुए और यहां से आप इसको लटका सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको ब्लू और पिंक कलर के बहुत सारे टॉय दिखाए। अगर आपको एक भी चीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं। सो मिलते हैं नए वीडियो में अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।